गाइज, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डायोड के बारे में समझेंगे। अगर आप फ़ोन की रिपेयरिंग करते हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में आपको डायोड के बारे में कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं डायोड के बारे में। सबसे पहले मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि डायोड कैसे कैसे काम करता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइज, इस वीडियो को कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। अगर इस वीडियो को गाइज आप ध्यान से देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो किसी भी डायोड के बारे में आप आसानी से समझ लेंगे। मैं हमेशा आपको डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायोड को डी से दर्शाते हैं। डायोड टाइप, डायोड चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पीएन जंक्शन डायोड, या स्टैंडर्ड डायोड, या रेक्टिफाई डायोड। सेकेंड जीनर डायोड, थर्ड टीवीएस डायोड, फोर्थ एलईडी डायोड। राइट इमिटी डायोड, टीवीएस डायोड का फुल फॉर्म होता है ट्रांजिस्टर वोल्टेज सप्रेसर। डायोड सिलिकन और जर्मेनियम से बने होते हैं। डायोड का सिंबल कुछ इस तरह होता है। ये प्लस होता है, ये माइनस, ये पी, ये एन और ये एनोड, ये कैथोड। ये डायोड पीएन जंक्शन या स्टैंडर्ड डायोड होता है। जीनर डायोड का सिंबल कुछ इस तरह होता है, प्लस माइनस पी एन एनोड कैथोड, ये जीनर डायोड होता है। टीवीएस डायोड का सिंबल कुछ इस तरह होता है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, यह टीवीएस डायोड होता है। अब आता है लाइट इमिटेड डायोड, जिसका सिंबल कुछ इस तरह होता है।
पीएन जॉनसन स्टैंडर डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में लगता है। यह 100% सीरीज होता है। जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में लगता है। माइनस प्लस यह 90% पैरेलल होता है और 1% सीरीज होता है। थर्ड एलईडी डायोड हमेशा रिवर्स बायस में लगता है। यह है 100% पैरेलल होता है। फोर्थ टीवीएस डायोड यह टीवीएस डायोड है और यह लाइट इमिटेड डायोड है। यह टीवीएस डायोड है। लाइट इमिटेड डायोड यह होता है, सही होगा तो लाइट जल जाएगी, अगर ख़राब होगा तो लाइट जलेगी नहीं। बस सिंपल सा काम। डायोड का काम होता है वोल्टेज को कम करना। वोल्टेज को कम करना इसको हमेशा ओम में मापते हैं। डायोड को डायोड रेंज में भी नाप सकते हैं और ओम्स में नापते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।